हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज अपने सामने खड़ी है टीवीएस स्पोर्ट का न्यू मॉडल प्योर ब्लैक कलर। इसमें आपको कोई भी ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा एंड ये है 110 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक। इसमें आपको 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज सिटी में देखने को मिल जाएगा। वहीं हाईवे पे आप 80 तक का माइलेज इस बाइक से आराम से निकाल सकते हो। ऑन रोड प्राइस की बात करें दोस्तों तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको 68,000 रुपीज तक देखने को मिल जाएगी एंड इस बाइक पे 2100 रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है। वहीं अगर आपको टीवीएस की कोई भी बाइक लेनी है दोस्तों तो आप स्पीड टीवीएस पे आ सकते हो। शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से कॉन्टेक्ट करके बाइक के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको हेलोजन के हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको कोई भी DRLs वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं एंड वही इंडिकेटर आपको हेलोजन के देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें आपको फ्रंट वाइजर भी ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो ये भी आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। और टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 2/75/17 के टायर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको 130mm की देखने को मिल जाएगी एंड सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। मडगार्ड के दोनों ही साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की, तो इसमें आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है एंड मैक्सिमम पावर आपको 8.3 bhp देखने को मिलती है एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 8.7 nm का देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों ये इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, काफ़ी टाइम से TVS की बाइकों में 110 cc बाइकों में ये इंजन आपको देखने को मिलता आ रहा है। वहीं बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट मफलर की, तो आपको इसमें पूरा क्रोम देखने को मिल जाएगा। पीछे के पैनल पे आपको स्पोर्ट की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है एंड टैंक पे आपको TVS का 3D लोगो भी देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी एंड माइलेज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें आपको 70 से 75 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। एंड इस बाइक का दोस्तों बैटरी कनेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से मैं इसको ऑन करके तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके मीटर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, इको पावर एंड माल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है। न्यूट्रल, हाई बीम एंड इंडिकेटर्स की लाइट भी देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिलता है। स्विच गियर्स की बात करें तो इसमें आपको पास, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है एंड दोस्तों इसमें कंपनी ने इंजन कट ऑफ सेंसर भी ऐड कर दिया है एंड इसमें आपको प्लास्टिक का चेन कवर देखने को मिल जाएगा। फुटरेस्ट की क्वालिटी आपको काफी ज्यादा डिसेंट देखने को मिल जाती है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे एंड यहाँ आपको सारी गार्ड भी देखने को मिल जाएगा। रियर टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 3.017 inches के टायर देखने को मिल जाएंगे, जो कि टायर साइज आपको इसमें ठीक देखने को मिल जाता है एंड रियर ब्रेक का साइज आपको 110mm देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन की टेल लाइट देखने को मिल जाएगी एंड टेल लाइट के नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन के ही देखने को मिल जाएंगे। ग्रैब रेल की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको सिल्वर कलर का ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा। एंड बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट की, तो इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा कुशनी देखने को मिल जाती है एंड सीट काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है, तो आपको ठीक ठाक कम्फर्ट इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। इसकी टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 90 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी एंड वेट की बात करें तो इसमें आपको 110kg का वेट देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 175mm का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैकेज प्रोवाइड करती है इस सेगमेंट में। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।